नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं रितिका शर्मा हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एमपी में अब तक 3 बार खारिज हो चुका है फसल बीमा के लिए टेंडर। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऊंचे प्रीमियम को बताया टेंडर कैंसिल होने की वजह, कहा जल्द फाइनल होगा नया टेंडर। केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ अब आढ़ती भी उतरे मैदान में। राजस्थान में 25 अगस्त से 4 दिनों की हड़ताल का ऐलान। निजी मंडियों को टैक्स से छूट देने का कर रहे हैं विरोध। वहीं कर्नाटक के शिवमोगा में मक्के की फसल को चौपट कर रहा है फॉल आर्मी वर्म। बारिश घटने के साथ बढ़ने लगा प्रकोप। 2018 में भारी नुकसान पहुंचा जा चुका है फसल को। और आपको दिखाएंगे क्यों एक किसान ने आधी एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को यूं ही छोड़ा और कैसे खेती को पर्यावरण से जोड़कर सैकड़ों पक्षियों को दे रहे हैं आसरा। मध्य प्रदेश में बाढ़, बारिश और कीटों की वजह से फसलें खराब हो रही हैं और हाल में हरदा, सीहोर और देवास जैसे कई जिलों में इल्लियों की वजह से सोयाबीन की फसलों को नुकसान होने के मामले सामने आए हैं और इससे परेशान किसानों ने खराब फसल के साथ प्रदर्शन भी किए हैं। इस पर शिवराज सरकार किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्लेम दिलाने के दावे कर रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवराज सरकार अब तक फसल बीमा के लिए कंपनियों का चुनाव ही नहीं करी और अब तक इसके लिए निकाले गए टेंडर 3 बार निरस्त हो चुके हैं और कायदे से ये काम 31 जुलाई तक हर हाल में हो जाना चाहिए था। आखिर इसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से बात की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों को फसल बीमा का लाभ इस बार मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, एजेंसी अभी तक तय नहीं हो पाई है। हम बात कर रहे हैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी से और हकीकत जानते हैं क्या है, क्या फसल बीमा योजना को लेकर जिस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, फसल बीमा हम करा रहे हैं किसानों का, किसानों ने बैंकों ने भी काटा है, किसान भी करा रहे हैं। पहले फसल बीमा जो केसीसी लेते थे बैंक से ऋण, वो काट लेती थी, लेकिन इस बार स्वैच्छिक किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। और इसलिए मैं किसान भाइयों से आह्वान कर रहा हूँ कृषि मंत्री होने के नाते कि 17 तारीख तक हमने बढ़ा दिया था, 17 तारीख तक जिन किसानों का बीमा हो गया उनका तो होगा, लेकिन बाकी भी किसान जो केसीसी जिनके हैं उनको तो बैंक काट लेती, लेकिन जिनके डिफॉल्टर हैं किसान, क्योंकि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कारण कई किसान डिफॉल्टर हो गए, इन्होंने बैंकों में पैसा जमा नहीं किया ऋण माफी के समय में, और कई किसान धोखा किया, और इसलिए जो डिफॉल्टर किसान हैं, जिन्होंने जो छोटे किसान हैं वो अगर फसल बीमा कराना चाहते हैं तो अभी भी हमने समय बढ़ाने के लिए भारत सरकार को लिखा है 31 अगस्त तक, तो 31 अगस्त तक वो बैंक में जाकर और अपना फसल का बीमा करा सकते हैं और अपनी जो राशि आती उसकी किस्त वो जमा कर सकते हैं, और जिसके कारण कि उनकी रिस्क कवर हो जाएगी और फसल बीमा का लाभ मिलेगा। और इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक किसान इसका बीमा कराएं ताकि आपकी फसल की गारंटी हो जाएगी, अगर खराब होती है तो बीमा कंपनी उसे राशि देगी। लेकिन 3 बार टेंडर निकाला जा चुका है, फसल बीमा कंपनियां इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, क्या वजह है। नहीं, फसल बीमा कंपनियों ने टेंडर डाले हैं लेकिन रेट ज़्यादा डाले थे, और इसलिए हमने उसको दोबारा किया, तीसरी बार किया, अब चौथी बार 3 दिन का है, ये फाइनल है, और इसके अंदर काफ़ी रेट वैसे भी कम आ गए हैं तो इस बार हम फाइनल कर देंगे 3 दिन के बाद। कृषि मंत्री कमल पटेल जी का दावा है कि फसल बीमा योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दिलाएंगे। बीमा कंपनियों का जो रेट ज़्यादा होने की वजह से 3 बार टेंडर निरस्त हुआ है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब ये फाइनल हो जाएगा 2-3 दिन में और इसके बाद किसान निश्चिंत हो सकेंगे। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो आपने सुना कि फसल बीमा के लिए कंपनियों ने ऊंची बोली लगाई और इसीलिए सरकार ने इसे अब तक फाइनल नहीं किया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब बीमा कंपनी फाइनल ही नहीं है तो किसानों को अब तक हुए नुकसान का क्लेम देगा कौन। क्या बाद में जो कंपनी फाइनल होगी और केंद्र ने इजाजत दे दी तो बाद में जो किसान फसल बीमा प्रीमियम जमा कराएंगे उन्हें अब तक हुए नुकसान का क्लेम मिल पाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाया है और इसके बाद से फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में गिरावट आई है और इसी वजह से राज्य सरकारों पर प्रीमियम का बोझ बढ़ा है और इसके चलते गुजरात सरकार ने भी खुद को पीएम फसल बीमा योजना से अलग कर लिया है। गुजरात ही नहीं, झारखंड और आंध्र प्रदेश भी अब इसमें शामिल नहीं है।
बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब तो अपने को पहले ही अलग कर चुका है और अब ये आशंका मजबूत होने लगी है कि क्या मोदी सरकार ये फ्लैगशिप योजना अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। और वहीं इसी मुद्दे पर एमपी के किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केदार सिरोही से बात की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने, आइए सुनते हैं। तो फसल बीमा पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता केदार सिरोही जी जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, किसान इतने परेशान हैं और जो ये फसल बीमा, जो ये फ्लैगशिप योजना है, उसका आगे का भविष्य क्या है। केदार जी, मध्य प्रदेश में तमाम तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं किसान, बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि, कीटों का जो अटैक है अभी सोयाबीन की फसलों पर। किसानों का कहना है कि जब उनकी फसल का जो सुरक्षा कवच है, जो फसल बीमा है, उसके लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कंपनियां ही फाइनलाइज नहीं की हैं, तो उन्हें किस तरह से ये सुरक्षा कवच मिलेगा? देखिए, आपने जो पूछा है कि भविष्य क्या है, तो पूरा किसानों को अंधकार में दिख रहा है मध्य प्रदेश में। और चिंता की बात यह हो रही है कि यह कोई पहली बार मध्य प्रदेश का किसान फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत करने को शुरुआत नहीं हुई है। कई सालों से हम लोग करते आए हैं, पहली बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये तारीख पे तारीख क्यों दिए जा रहे हैं। भाई, आज की तारीख में जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 दिन से फसलें खराब हो रही है, इंसेक्ट के कारण फसलें खराब हो गई है, पिछली बारिश के कारण फसलें खराब हो गई, उसके पहले सूखा पड़ने के कारण खराब हो गई, तो दिनों दिन जो बीमा कंपनियां हैं ये टेंडर प्रोसेस आगे बढ़ाते रहे हैं। अब धीरे धीरे जो बीमा कंपनियां हैं वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो हर दिन प्रीमियम बढ़ाती जा रही है। उनको दिख रहा है कि फसलों का नुकसान हो रहा है तो उनको किसानों को बीमा देना पड़ेगा। वैसे अभी तक उतना जितना प्रीमियम जाता है उतना अभी तक का इतिहास दिया नहीं जा रहा है, पर अब उस प्रीमियम की राशि वो दिनों दिन बढ़ाया जा रहे हैं और सरकार ये सोच रही है कि वो कम कर देगी। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है, जो मध्य प्रदेश के जो किसान फीलिंग कर रहे हैं, इधर समझ में आ रहा है उनको कि जो सरकार है उसमें तालमेल नहीं है जी। और तालमेल के साथ में उसके पास जो सॉल्यूशन होना चाहिए। सर, ये बताएं कि अभी हमारे संवाददाता कौशल किशोर ने वहां के कृषि मंत्री कमल पटेल जी से बातचीत की इस बाबत और उनका ये क्लियरली कहना है कि तीन बार टेंडर्स को कैंसिल किया गया, अब चौथी बार टेंडर फ्लोट किए गए हैं, क्योंकि रीजन ये था कि कंपनियां बहुत ऊंची बोली लगा रहे थे। लेकिन जब से सरकार ने इस स्कीम को स्वैच्छिक किया है, ये तो पहले से ही पता था कि प्रीमियम की दरें बढ़ेंगी, तो इसमें क्या आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कोई प्लानिंग में फेलियर नजर आता है? देखिए, 100% फेल्यूर है ये। अगर ये फेल्यूर नहीं होते तो इससे पहली बार में ही टेंडर पास हो जाना चाहिए था, उससे हमारे सरकार को फायदा होता, मध्य प्रदेश की सरकार को ज्यादा कंपनियों को प्रीमियम नहीं देना पड़ता। तो ये टोटल एक तो क्या हुआ, हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के माहिर माने जाते हैं। वो उनका जो पिछला 4 महीना गया है उसमें इतनी तकलीफ आई, आप देखिए मध्य प्रदेश में यूरिया का संकट रहा, फसलों पर खराबी आई, वो हमेशा कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखे, वो कभी अपने विभाग में झांक कर नहीं देखे हैं, अपने विभाग में मुझे कभी वो एक्शन मोड पे नहीं दिखे। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो हमारे कृषि मंत्री को सीरियस लेते ही नहीं है। वो मूंग का ट्वीट करते हैं कि हम मूंग खरीदी की बात करेंगे, मूंग खरीदेंगे, मूंग की खरीदी नहीं होती है। वो खुद कहते हैं पत्रा किसानों को और किसानों के बीच में सभा में कहते हैं मैं 16 घंटा बिजली दूंगा, 8 घंटे बिजली मिलना मुश्किल हो गई। वो कहते हैं कि मैं मंडियों में सुधार करूंगा, मंडियों में जो तुलाई पर पैसा नहीं लगेगा किसानों को, तुलाई पर पैसा बढ़ गया, तो उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा। तो केदार जी, जो आपने अभी ये बातें सामने रखी, मूंग की दाल की खरीदी की बात हो या फिर बिजली की या तुलाई के सही भाव, तो इस सब बैकग्राउंड में जब अब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम चौथी बार टेंडर इस करके लाए हैं कि जो किसान हैं उन्हें सही भाव मिल सके, सही भाव पर प्रीमियम का सही रेट मिल सके, कंपनियां बहुत ऊंची बोली ना लगाएं, तो अब इस बात पर कितना विश्वास कर सकेंगे किसान और इस वक्त जो वो झेल रहे हैं उसमें किस तरह के सुरक्षा कवच की जरूरत है, दरकार है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसानों को विश्वास होगा।
विश्वसनीयता तो तब होती जब ये पहली बार में ही किसानों का जो टेंडर प्रक्रिया कर देते, किसानों का ज्यादा से ज्यादा बीमा कर देते, ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश में कोई प्लान लाते, तो मुझे तो विश्वसनीयता की बड़ी काफी कमी दिख रही है। रही बात सुरक्षा कवच की, तो पिछली बार भी सरकार ने मुआवजा दिया था किसानों को। जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, उनने पिछली बार उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जिसमें वो कह रहे थे कमलनाथ जी को कि मैं 40 में होता तो 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सोयाबीन की जो नुकसानी हुई उनको देता। मैं आपको पूरे मध्य प्रदेश का बता दूं, अफलन हुआ है जी, कीट लगा है, बीमारियां लगी है, बहुत से जिले तो ऐसे हैं, खुद मैं कह रहा हूं कृषि मंत्री जी का जिला है जहां पर वो जिनको उनको 100% वोट करते हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर पूरी तरीके से फसल चौपट है, आज तक कोई गया नहीं है, उनका सर्वे नहीं हुआ, जबकि अभी तक तो उनको मुआवजा मिल जाना चाहिए था। तीन किस्त में देते तो आज 33% का मुआवजा किसानों को मिल जाना चाहिए था। मेरा कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार से यही कहना है कि अगर वास्तविकता में आप किसान हितैषी है, आपको किसानों की पीड़ा है, तो ये सड़क पे क्यों आने दे रहे हैं आप किसानों को? आप किसान के बेटे हैं तो आपको पता नहीं है कि सोयाबीन बर्बाद हो चुकी है, मक्का में कीट लग चुका है, मूंग उड़द सड़ने की कगार पे आ गई है। सबसे पहले ये घोषणा कि हम लोग किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, 15 दिन में उनके खाते में हम मुआवजा डाल देंगे और जो बाकी सर्वे का फसल बीमा का वो उसको कर देंगे। केदार जी एक और दिक्कत, ये एक चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ तहसील खातेगांव जिला देवास से भारतीय किसान यूनियन की, जहां इन्होंने इस चिट्ठी में इस बात को सामने रखा है कि सोयाबीन फसल का शीघ्र से शीघ्र सर्वे कराया जाए, नुकसानी का आकलन करवाया जाए जिससे किसानों को बीमा लाभ मिल सके, और एक और बात कि बैंकों द्वारा किसानों से खरीफ फसल के बीमे की प्रीमियम भी काट ली गई है। इससे पहले भी हमने इस तरह की केस स्टडीज दिखाई कि लॉकडाउन पीरियड के समय कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे किसान थे जिनकी बीमा की राशि काट ली गई, किस आधार पर? जब कंपनियां ही फाइनल नहीं हुई तो ये जो गड़बड़ियां हैं ये कैसे सामने आ रही हैं? देखिए अब इसमें तो मध्य प्रदेश अजब है, गजब की कहानी मुझे दिख रही है। आपने बहान ले लिया है, बहान जो शोरूम है उसने बोल दिया आपका बीमा मैं बाद में कर दूंगा, आप रोड पे गए और उसमें एक्सीडेंट हो गया या कुछ उसमें टूट फूट हो गई, तो अब वो बीमा कंपनी कह रही है कि मेरा तो बीमा हुआ नहीं है, मैं आपको टूट फूट का क्यों दूंगा। अब वही वाली कहानी किसान के साथ हुई है, अब किसान की पूरी फसल चौपट हो चुकी है, किसान को बड़ा नुकसान हो गया, उसका प्रीमियम कट चुका है बैंक में, परंतु बैंक ने सरकार की जो कह लें कि इच्छा शक्ति की कमजोरी, बिना प्लानिंग और बिना ज्ञान के अभी तक जो टेंडरिंग नहीं कर पाए हैं उसके कारण वो अभी तक उस कंपनी में जो फसल का इंश्योरेंस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में जिनके खेत खाली रह गए हैं, देखिए मध्य प्रदेश में अभी कृषि मंत्री ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके एक जानकारी दी थी कि 30-40% तो धान की फसल की बुआई नहीं हुई हमारी, तो उन किसानों के साथ क्या होगा जिनकी सोयाबीन की फसल खत्म हो चुकी है, जिनको आज बखरना पड़ रहा है, उसमें नई फसल लगाने की वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे किसानों का जो सुरक्षा कवच है वो टूट चुका है और किसान पूरा प्रदेश का चिंतित और असहाय नजर आ रहा है इस सरकार में। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट और एनालिसिस के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कृषि मंत्री और उनके जो सहयोगी और जो अधिकारी हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस तरफ त्वरित रूप से ध्यान दें और अंततः किसानों को राहत मिले और सुरक्षा कवच मिल सके। धन्यवाद इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र के कृषि अध्यादेशों का किसान ही नहीं व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद हरियाणा और राजस्थान में किसानों और आढ़तियों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। देखिए क्या है वजह इस रिपोर्ट में। 3.5 लाख लेबर के साथ में 13,000 हमारे दुकानदार और उनके परिवार आज इससे बड़े ही शोकग्रस्त होकर के ये आज का आंदोलन कर रहे हैं, और न केवल इसमें मुनीम गुमास्ते हैं, ठेली ठाले वाले और टेम्पो वाले और ये सब भी इसमें शामिल हैं, मजदूर भी अब त्रस्त है कि मैं कहाँ जाऊँगा अगर मंडी में व्यापार बंद हो गया तो। अगर मंडियाँ बंद हो गयी तो हम कहाँ जाएंगे? इस सवाल के साथ बीते शुक्रवार को राजस्थान और हरियाणा की मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल रही। इनके सामने ये सवाल केंद्र के उन अध्यादेशों से आया है जो एपीएमसी यानी मंडी एक्ट को मंडी परिसर तक सीमित करता है और इस परिसर के बाहर की निजी मंडियों को टैक्स मुक्त कारोबार की इजाजत देता है।
मंडी एक्ट के तहत कारोबार करने वाले आढ़तियों को लगता है कि वो मंडी परिसर के बाहर बनने वाली निजी मंडियों को टैक्स में मिली छूट के चलते उनका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे और अपनी रोजी रोटी और सारा कारोबार गंवा बैठेंगे। मंडी परिधि के अंदर जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है और मंडी के बाहर जिस पे कोई टैक्स नहीं है, ये कैसा संभव है बताओ? एक ही चीज के ऊपर दो टैक्स कैसे हो सकते हैं कि मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं है और मंडी के अंदर टैक्स है? तो ये सरासर नीति जो है सरकार इस तरह से आढ़तियों को उससे बाहर करना चाह रही है। पहले बिहार में इन्होंने वो लागू किया था, वहाँ का आप देखो किसान की क्या हालत है। वो बेचारा दूसरे प्रदेशों में जाके अपनी मजदूरी कर रहा है, हमारा किसान खुशहाल है। इसलिए हम अध्यादेशों का विरोध करते हैं और सरकार से विनती करते हैं अध्यादेश को वापस ले। जो साथ में जो मंडियां लगती हैं किसान वही तो जाएगा, बाहर कितने जाएगा? यहाँ का किसान आप यूपी जा थोड़ी जाएगा, बिहार थोड़ी जाएगा, पंजाब में थोड़ी जाएगा। ये मंडियां किस लिए बनाई सरकार ने? तो एक बात मैं ये, तो जो राइस मिलर हैं हमारे पैसे रख लेते हैं तो किसान की क्या सिक्योरिटी होगी? किसान का पैसे टाइम पे मिल जाएगा? इस सांकेतिक हड़ताल के बाद जहां राजस्थान के आढ़तियों ने 25, 26, 27 और 28 अगस्त को सारी कृषि उपज मंडियां बंद रखने और मंडी सेस के साथ कृषि कल्याण शुल्क न चुकाने का फैसला किया है, वहीं हरियाणा के आढ़तियों ने केंद्र के अध्यादेशों को वापस न लिए जाने पर मंडियों में बेमियादी हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की 247 मंडियां अपना व्यापार 25, 26, 27, 28 को बंद रखेंगी। ये आंदोलन हम भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए 5 जून 2020 के अध्यादेश के विरुद्ध में कर रहे हैं। 6 जून से ये हमारा संघर्ष जारी है। इसमें मैं ये मानता हूँ कि लगभग 30 से 40 हजार आढ़ती जो सीधे तौर से जुड़े हुए हैं और उसके बाद लगभग 70,000 के 80,000 के करीब जो हमारे मुनीम भाई हैं हमारे साथ और लगभग 2 से 2.5 लाख जो लेबर के करीब है हमारे यहाँ मजदूर भाई हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं जिनका रोजी रोटी का साधन मंडियों से चलता है। आज सरकार उन सबको सड़क पर लाने का काम कर रही है। मैं फिर भी एक बार चेताना चाहूँगा सरकार को, ये सबके बारे में सोचे और इसके बारे में पुनर्विचार करे और उसके बाद अगर नहीं चेती तो हम फिर से एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। नुकसान कितना? हम सरकार से आग्रह करते हैं और आह्वान करते हैं कि इसको वापस ले अध्यादेश को, और हम 25 तारीख की अपनी दिल्ली किसान यूनियन की अपनी मीटिंग बुला रहे हैं और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर हम एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। हरीश माड़ती भाई भी हमारे साथ रहे, हम भी साथ रहेंगे और सरकार को ये बहुत मजबूर करेंगे अगले अध्यादेश वापस लेने। केंद्र सरकार अपने अध्यादेशों को एक देश एक बाजार की व्यवस्था लागू करने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन जिस तरह से आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है वो इस बात का साफ संकेत है कि किसान और आढ़ती दोनों ही सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान में रामस्वरूप लामरोड और हरियाणा में रोहतक से दिनेश कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट्स और आज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर राजस्थान के किसान ग्रामीण किसान मजदूर समिति के संयोजक रंजीत सिंह से बात की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका एरन ने, आइए सुनते हैं। जी, तो इस पर किसानों का क्या मानना है, इस पर सीधे बातचीत करते हैं गंगानगर किसान मजदूर समिति के कन्वीनर रंजीत सिंह जी से। रंजीत जी, जो गंगानगर में बात कर लें या फिर अभी तो खबर आ रही है कि पूरे राजस्थान में जो आढ़ती और व्यापारी हैं वो इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ 25 अगस्त से अगले 4 दिन तक मंडियां बंद रखेंगे, आपको क्या लगता है उनके इस फैसले से किसानों की जो आवाज है उसको बल मिलेगा, सहारा मिलेगा? जी मैडम, बिल्कुल बल भी मिलेगा, सहारा भी मिलेगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल केवल किसान की नहीं है, किसान के साथ साथ मंडियों की भी है और मंडियों के मजदूरों की भी है। तो हमारा सबसे अपील है, और आज मंडियों बंद करके वो किसानों को बल नहीं दे रहे, वो अपने आप को बल दे रहे हैं, अपने धंधे को बल दे रहे हैं और आमजन को बल दे रहे हैं। इससे हमारा जो आंदोलन है उसको एनर्जी मिलेगी। जी, एक और बात बताएं कि जो मंडी शुल्क है, बात वहां पर आकर खराब होती है कि जो निजी मंडियां हैं उनमें मंडी शुल्क नहीं देना होगा और इसी के विरोध में आढ़ती और व्यापारी भी सामने आए हैं। ये जो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया गया है, जो इससे जुड़े जो नीति आयोग में सदस्य हैं और सरकार में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एक तरह का कंपटीशन बढ़ेगा और असल में ये किसानों के हित में है। फिर क्या कारण है कि किसानों के समेत व्यापारी और आढ़ती भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं? मैडम, ये बिल्कुल गलत बात है।
कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, कंपटीशन घटेगा। इन्होंने व्यापारियों में ही डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया। जो मंडी में माल खरीदेगा उसको शुल्क देना पड़ेगा, जो मंडी के बाहर खरीदेगा उसको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यानी कि कंपटीशन बढ़ाने की बजाय कंपटीशन घटेगा, ये एक तथ्यहीन बात कर रहे हैं। और दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो अपने मंडी में शुल्क देते थे वो शुल्क किसके काम आता था? उससे ग्रामीण एरिया का विकास होता था, उससे सड़कें बनती थी, हमारी पुलिया बनती थी। क्या अब हम जो हमारा ग्रामीण एरिया है वो सड़क रहित होगा? पुलिया नहीं बनेंगी उसपे। तो 80% आबादी जो किसान की है, ग्रामीण भारत की है, वो जो आज हमारी फसल पे शुल्क दे रहे थे, वो सारा शुल्क अब हम किसी और रास्ते से लेंगे। ये सड़क तो चाहिए ना हमें। तो जो ढांचा खड़ा किया गया, जो संघीय ढांचा चल रहा है, ये दुनिया भर में बहुत बढ़िया ढांचा है हमारी फसल खरीद का, एपीएमसी मंडी एक्ट। तो ये ढांचा ऐसे ही रहना चाहिए। एक जो मैं माल लेके अपना, मान लीजिए एक मंडी में गया, मंडी में जाके मैंने देरी कर दी, तो वहां 5-6 व्यापारी आए, उन्होंने सामने बोली लगाई, कंपटीशन वहां हुआ ना कि मैं माल लेके बाहर सड़क में बैठा, मेरे फोन पर दलाल को पूछा, दलाल ने भाव बताया, वहां कहां कंपटीशन हुआ? कंपटीशन मैडम सामने में होता, मंडी में होता, मंडी के बाहर कंपटीशन नहीं, किसान की लूट होगी। एक और बात बताएं कि जो ये व्यापारी और आढ़ती अब सामने आए हैं लड़ाई में, तो आपको लग रहा है ये भी उतनी ही पुरजोर तरीके से आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में शामिल हैं, या फिर कुछ और गुंजाइश बाकी है इनकी तरफ से? मैडम सरवाइव करना है तो सड़क पे आना पड़ेगा, मुखर होकर लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का सहारा देना और लेना पड़ेगा। अगर व्यापारी सोचेगा मैं अकेला लड़ाई अपनी लड़ लूंगा, किसान सोचेगा मैं लड़ लूंगा, ये किसान संगठन राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, सबको एक साथ आना होगा, क्योंकि ये सबकी हक अधिकार की लड़ाई है। अगर व्यापारी, किसान और आमजन मजदूर एक साथ होकर लड़ेंगे, और जो विपक्ष की भूमिका ना संसद में दिख रही है ना विधानसभा में दिख रही है, वो हमें विपक्ष की भूमिका सड़कों पे अदा करनी होगी। जब सड़क पे विपक्ष आएगा जनता के रूप में, तब जाके किसान को और मजदूर को उसका हक मिल सकता है, व्यापारी भी फ्री बचेगा, एक दूसरे के साथ से बचेगा। मैडम जी जी धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और इसी बीच आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खेती से जुड़े अध्यादेशों को वापस लेने या एमएसपी की गारंटी देने का अध्यादेश लाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों से सिर्फ निजी कंपनियों को ही फायदा होगा। हरियाणा के पूर्व सीएम 26 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने की बात कह रहे हैं। सब कह रहे हैं हमने किसान के हित में किया है, अगर चौथा ऑर्डिनेंस ले आए ये कि कोई भी जो खरीद करेगा उस खरीद का दाम किसान को एमएसपी से कम जो देगा वो पनिशेबल, तो ठीक है। और इसी बीच आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर दोहराया है कि हालिया कृषि सुधारों के बाद भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कृषि मंडी में किए गए सुधार किसानों के कल्याण के लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों से 1,00,000 करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचाने की भी अपील की। बढ़ते आगे, कर्नाटक के शिवमोगा में फॉल आर्मी वर्म मक्के की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में सबसे नया है, और बीते 2 साल से ये कीट दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक में मक्के, गन्ने और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। 2018 में दक्षिण भारत, तो 2019 में पूर्वोत्तर के राज्यों में किसानों को इसके चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल फॉल आर्मी वर्म अमेरिका के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाके से पूरी दुनिया में फैला है। ನಮಗೆ ಈಗ 7ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಟೈಪ್ ಹುಳದ್ದು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮುಂದೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಹುಳದ್ದು, ಈಗ ಏನು ಸುಳೆ ಉಂಟಿದ ಮುಂಚೆನೆ ಅದು ಹುಳದ್ದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಔಷಧಿ ತಂದು ಹೊಡಿಯೋದು, ಕೊರೋನಾ ಹಾಕೋನೇನೋ ಹಾಕೋ, ಕೊರಾಜಿನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತದು, ಕೊರಾಜಿನ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಟೈಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದು। देश और अपने परिवार का पेट भरने के लिए किसानों को दिन रात खेतों में काम करते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान से जिन्होंने पक्षियों का पेट भरने का जिम्मा उठाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरे भरे बाजरे का खेत और उसमें दाना चुगते ये परिंदे, आम तौर पर किसान पुतले लगाकर या तरह तरह की आवाजें निकालकर फसलों को नुकसान पहुंचाते इन परिंदों को भगाते रहते हैं,
लेकिन यहाँ इन्हें कोई भगा क्यों नहीं रहा? क्या इन फसलों की कोई रखवाली नहीं कर रहा है? भले ही आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस खेत में ये फसल इन्हीं परिंदों के लिए लगाई गई है और ये पहल की है तमिलनाडु में कोयम्बटूर के किसान मुथु मुरुगन ने। இதை ஒட்டி நான் வந்து நிறைய கவனங்கள் செலுத்திட்டு வர்றேன். நிறைய வந்துக்கிட்டு பறவை இனங்கள் இதெல்லாம் அழியுதுன்னு சொல்கிறோம். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சரியான இயற்கை கை கொடுக்காதனால இந்த மானாவாரி பயிர்களெல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு. ஒரு பக்கம் நாம் வந்துக்கிட்டு மானாவாரியில் இருந்துக்கிட்டு 62 சால் கே முருகன் சால் 1984 சே அப்னி 4 ஏக்கர் ஜமீன் பர் பகைர் கிசி கீட்நாஷக் யா கெமிக்கல் கே ஆர்கானிக் கேத்தி கர் ரஹே ஹே. इन पक्षियों के लिए पहले वो अपने खेत के किनारों पर चारा उगाते थे, लेकिन बीते कुछ सालों से इसके लिए अपनी आधी एकड़ जमीन सौंप दी है। இதெல்லாம் விளைஞ்சது குருவி காக்கா இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஆடு மாடு கூட ஓரத்துல எல்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு போயிடும். இதெல்லாம் சாப்பிட்டது போகத்தான் மிச்சம் நம்மளுக்குங்கிற மனோநிலையில தான் விவசாயிகள் இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த விவசாயிகளை மாற்றியது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நவீன பொருளாதாரத்தில் நீங்கள் சந்தை பொருளாதாரம்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா, எல்லாமே காசுக்காக அப்படின்னு சொல். मुरुगन की सह अस्तित्व से जुड़ी ये पहल आज गोरैया, तोते और दूसरी प्रजातियों के सैकड़ों पक्षियों के लिए सहारा बनी हुई है। उनका दावा है कि पर्यावरण और इससे जुड़े सभी जीवों का ख्याल रखकर ही किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए किसान बुलेटिन में आज इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।